हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के आर्ट साइड के जो स्टूडेंट हैं तो उनका जो सब्जेक्ट है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, उसका एक टॉपिक देखेंगे मानव भूगोल एवं उसकी विभिन्न शाखाएं। तो ये टॉपिक आपका क्लास 12th का है और ये चैप्टर 1 है आपका ज्योग्राफी की बुक का। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मानव भूगोल को समझते हैं। मानव भूगोल होता क्या है, इसको पहले मैं वीडियो को मानव भूगोल को आपको किताबी लैंग्वेज से हटकर पहले आपको बता देता हूँ। मानव भूगोल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो मानव है यानी कि इंसान है, कहाँ रह रहा है, क्या उसकी आर्थिक गतिविधियाँ, क्या कमा रहा है, कहाँ रह रहा है, नगर में रह रहा है, शहर में रह रहा है, गाँव में रह रहा है, तो उसका एक तरीके से पूरा बायोडाटा होता है यानी कि मानव की पूरी डिटेल होती है, इसको हम मानव भूगोल बोल देते हैं। अब इसको किताबी लैंग्वेज में समझते हैं तो मानव भूगोल क्या है। मानव का आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मानव भूगोल कहलाता है। तो अगर फ्रेंड आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप क्या लिखोगे कि मानव भूगोल मानव का आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मानव भूगोल कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी, इसको याद कर लीजिए और एग्जाम में लिख कर आइएगा। फिर देखते हैं फ्रेंड इसकी मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, यानी कि मानव भूगोल जो होते हैं उसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है फ्रेंड आपका आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल, मानचित्र भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो ये फ्रेंड आपके 8 टाइप के होते हैं। तो इसको जब आप याद करें, सबसे पहले आपको मानव भूगोल की डेफिनेशन याद करनी है, फिर दूसरे इसके टाइप याद करने हैं सेम ये हेडिंग डाल के, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है, उसके बाद ये आपको 8 है और 8 के 8 आपको याद करने हैं। फिर हम जब आप ये 8 के 8 याद लिख लोगे फिर अगली हेडिंग आपको क्या करनी है, आर्थिक भूगोल की डालनी है और आर्थिक भूगोल को आपको डिफाइन करना है। तो आर्थिक भूगोल देख लेते हैं फ्रेंड क्या होता है। तो आर्थिक भूगोल जो है फ्रेंड्स वो आपके जो मानव जो होता है, मानव के जीवन यापन के लिए जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय अपनाता है उन सभी का विवरण आर्थिक भूगोल होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि देखिए मानव जिंदा रहने के लिए क्या करता है, खाना चाहिए, खाना खाने के लिए क्या चाहिए उसको, पैसा चाहिए। और पैसा उसको कैसे मिलेगा, जब वो किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय करेगा, उस व्यवसाय करने से उसको पैसे मिलेंगे जिससे कि वो अपना जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे रहना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये उसको मिलती हैं। तो ये कब मिलेंगे, जब वो व्यवसाय करेगा यानी कि नौकरी चाकरी करेगा तो जब मिलेगा। तो इसको अब किताबी लैंग्वेज में देख लेते हैं फ्रेंड। मानव अपने जीवन यापन के लिए जो प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय अपनाता है उन सभी का विवरण आर्थिक भूगोल है। ठीक है, आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है कि मानव के आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है धन से, पैसे से, तो वो क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, क्या उसके साधन है, कहाँ पर व्यवसाय कर रहा है, वो सब इस चीज़ के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका फ्रेंड सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल में क्या होता है फ्रेंड कि मानव जो होता है इंसान, वो किसी ना किसी प्रकार के रीति रिवाज को अपनाता है, सांस्कृतिक प्रतिरूपों को अपनाता है, जैसे अपने भगवान है, अपने भगवान की वो अलग तरीके से पूजा कर रहा है, दूसरा लोग जो है वो अपने भगवान की अलग तरीके से पूजा कर रहा है, उनके धार्मिक विश्वास, जैसे कुछ लोग हिंदू हैं तो हिंदू भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं तो जीजस को मानते हैं, और कुछ लोग जो है आपके इस्लाम धर्म को जो फॉलो करते हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं, ठीक है, उनकी कुछ परंपराएँ होती हैं। ठीक है, तो इन सभी का क्या होता है, जो उसका सांस्कृतिक भूगोल है यानी उसके सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं वही क्या होता है, सांस्कृतिक भूगोल। तो फ्रेंड अब इसकी किताबी लैंग्वेज देख लेते हैं, जो आपको बुक एग्जाम में लिख कर आना है वो क्या होती है, जिस विज्ञान में किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं का अध्ययन किया जाता है उसे सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं। तो फ्रेंड यही आप अपने इसके नोट्स बना लीजिए, इसी तरीके से आप क्या करिए इसको याद कीजिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या भूगोल। ठीक है, जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, लिंग अनुपात, साक्षरता तथा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का विवरण दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जनसंख्या का बैकग्राउंड जानते हैं, इंसानों की जनसंख्या का, तो जैसे कि क्या है कि जैसे आपको दे दिया कि भाई दिल्ली में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, इंदौर में कितनी जनसंख्या है, मुंबई में कितनी जनसंख्या है, बेंगलोर में कितनी जनसंख्या है, देहरादून में कितनी जनसंख्या है, तो ये सब आप इसका क्या होता है वितरण जान लेते हैं कि कितनी इसकी कहाँ जनसंख्या है। घनत्व कितना होता है, घनत्व क्या होता है कि किसी एक सीमित क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये घनत्व होता है। वृद्धि दर यानी कि कितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, तो यानी कि इनकी वृद्धि दर ज़्यादा है, लेकिन जो आपके सिक्किम,
मणिपुर, मेघालय, ये राज्य हैं, इनकी वृद्धि दर बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम बढ़ रही है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात क्या होता है कि प्रति 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महिला भारत में प्रति 1,000 पुरुष पर केरला राज्य में है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है फ्रेंड्स, हरियाणा में। हरियाणा में 1,000 पुरुष पर 736 या 733 महिलाएं हैं। लेकिन अगर आप केरला में देखेंगे तो केरला में क्या है, प्रति 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, वहाँ पर 1,100 के करीब महिलाएं हैं, ठीक है। साक्षरता यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे आप देखेंगे कि भाई दिल्ली में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, केरला में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ अपने उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ साक्षरता दर कम है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, देखिए जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है कि समस्याएं भी बढ़ती हैं, जैसे स्वच्छ पानी की कमी हो गई, बिजली की कमी हो गई, शौचालयों की कमी हो गई, तो इनसे उत्पन्न जो मतलब जनसंख्या बढ़ने से घटने से क्या प्रभाव होता है, वो सबका हम अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल देख लेते हैं फ्रेंड। राजनीतिक भूगोल क्या होता है, राजनीति से रिलेटेड होता है। तो इसमें राजनीतिक इकाइयाँ, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्रों, सीमाओं, राजधानियों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित बातों का भौगोलिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या होता है कि राजनीतिक भूगोल में क्या होता है कि देखिए आप जानते हैं ना कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो मोदी जी का स्टेट्स पर क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या उनकी नीतियाँ हैं, क्या उनका प्रभाव है, ठीक है। और राजधानियों पर क्या इफेक्ट है, राजधानी में कौन सी पार्टी क्या है, प्रदेशों में कौन सी पार्टियाँ चल रही हैं, कहाँ तक उनकी सीमा है, कहाँ तक उन्होंने अपने पार्टी को बढ़ाया है, क्या उसमें नुकसान हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, राजनीतिक भूगोल में करते हैं। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल, ये हो गया फ्रेंड आपका। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी भूगोल। तो पारिस्थितिकी भूगोल में क्या होता है, पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं फ्रेंड, नेचर को, एनवायरनमेंट को, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं। तो इसमें पर्यावरण तथा मानव के सहसंबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पर्यावरण पर इंसानों का क्या संबंध है, ठीक है, कैसे वो रिलेटेड है और कैसे उस पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए अभी हमने क्या कर रखा है, हम तेज़ी से पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, जानवर जो हैं वो कम होने लगे हैं, ठीक है, और गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लगी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये प्रभाव पड़ रहे हैं। ओजोन लेयर कम होती जा रही है, अभी हमने कोई फैक्ट्री लगा दी है और तो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, धुएं की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन की वजह से हमें क्या होता है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ओजोन लेयर कम होती जा रही है। तो ये सारे क्या होते हैं, जो हमारे वातावरण में या पर्यावरण में जो इनके प्रभाव होते हैं, इंसानों के द्वारा जो प्रभाव होते हैं, उन सबका अध्ययन किया जाता है और उनके बीच के संबंध किया जाता, संबंध जो होता है दोनों के बीच में, उसको हम इस परिस्थिति के भूगोल में अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल में वहाँ की अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, उत्पत्ति एवं विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या होता है कि ग्रामीण और नगरीय भूगोल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गांव और नगरों में वहाँ की अर्थव्यवस्था, जैसे गांव की अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है आपके, पशुपालन पे और कृषि पे। शहर की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड, इंडस्ट्रीज पे, फैक्ट्री पे, प्लांट्स पे, इन सब पर आपकी जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड है। प्राकृतिक संसाधन, जैसे गांव में प्राकृतिक संसाधन में आपके क्या क्या चीज़ हैं, ठीक है, पेड़ है, जंगल है, जानवर हैं, ठीक है, और आपको गांव से जो पानी मिलता है, ठीक है, और जो आपको गांव से फल, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन का और उत्पत्ति और विकास का हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। मानचित्र भूगोल देख लेते हैं ये फ्रेंड। मानचित्र को अगर आप सिंपल भाषा में देखें तो मानचित्र क्या होता है, नक्शा होता है। तो मानचित्र भूगोल के अध्ययन के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए अगर आपको मानचित्र भूगोल का अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मानचित्र भूगोल का अध्ययन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मानचित्र भूगोल में उसकी रचना, प्रकार, मापक, प्रक्षेप, भूमापन आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए आपने ये देखा होगा कि भाई हम जैसे आपका दिल्ली है, दिल्ली का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, कहीं पर आप सर्वे करते हैं, जैसे आपने रोड का सर्वे करना है या किसी जंगल का सर्वे करना है, कौन सा पौधा लग रहा है, या आपने देखा होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में जब गन्ना किसान गन्ना लगाता है तो वो एक आदमी आता है गन्ना विभाग से, वो जानकारी ले जाता है किसान के पास आके, कौन सी नस्ल बोई है, कितने क्षेत्रफल में गन्ना लगाया हुआ है,
कौन सी वैरायटी है इसकी गन्ने की, ठीक है, और कितना इससे प्रोडक्शन हो सकता है, वो सारी चीज़ें लिख करके ले जाता है। यानी कि वो क्या करता है, एक तरीके से उसका अध्ययन करता है। उसी तरीके से क्या होता है कि हम गांव में शहरों में क्या करते हैं, मापन करते हैं, ठीक है, और रचना, यानी कि हमें कोई नक्शा बनाना है। जैसे हमने कोई नक्शा डिसाइड कर दिया, अभी फ्रेंड अभी आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो उसमें जम्मू कश्मीर अलग कर दिया है, लद्दाख अलग कर दिया है। तो उसमें क्या किया कि नक्शा बनाया गया था, ठीक है, तो यानी कि उसकी रचना की गई, प्रकार यानी कि उसको नक्शा को जो जो बनाया तो उसको किस प्रकार की कैटेगरी में डाला है, छोटा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, यानी कि छोटा नक्शा बनाया बड़ा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो मानचित्र भूगोल को आपको फ्रेंड्स याद करना है कि मानचित्र भूगोल में उसकी रचना, प्रकार, मापन, प्रक्षेप और भूमापन आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल क्या होता है फ्रेंड, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो प्रादेशिक भूगोल में प्रदेशीकरण, उनके आकार तथा प्रदेशों के भौगोलिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या होता है, प्रदेशीकरण, जैसे आप कोई नया प्रदेश बना रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि जम्मू कश्मीर अलग स्टेट बनाया गया है, ठीक है, तो उसमें जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है, ठीक है, उसके आकार, आकार कितना रखना है आपको, छोटा है प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, ठीक है, इस प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या है, उस प्रदेश में कम जनसंख्या है, ठीक है, और उनके भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर पहाड़ है तो पहाड़ी प्रदेश है, राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है तो मरुस्थली प्रदेश है, ठीक है, और उस तरीके से आपका झारखंड में है तो वहाँ जंगल बहुत है तो वहाँ पे क्या है, वो जंगल प्रदेश है। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी भौगोलिक स्थिति को भी हम जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है, आसपास नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, क्या है, ये सब चीज़ें हम उसमें भौगोलिक स्थितियों में जानते हैं। और उनके मानवीय संबंधों, मानवीय संबंधों मतलब उनका एक स्टेट का दूसरे स्टेट से कैसा बर्ताव है। जैसे कुछ स्टेट क्या होते हैं, उनके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, जैसे पंजाब हरियाणा के बीच में अच्छा रिलेशन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में अच्छा रिलेशन है, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम उनके संबंधों का भी, जो आपस में दो स्टेट के अच्छे संबंध हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, जिनके आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं उनका भी। जैसे कुछ स्टेट में नदी के बंटवारे को लेकर के, नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम इन सब प्रदेश के उसमें क्या करते हैं, जो आपके राज्य हैं उन राज्यों का जो भौगोलिक स्थिति है, वो आकार, प्रदेशीकरण और उनका एक दूसरे स्टेट से क्या संबंध है, उनका इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए, आज ही याद करके रख लीजिए, और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाला है। और इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको फ्रेंड करें, ठीक है फ्रेंड। लॉकडाउन भी चल रहा है तो आप लॉकडाउन में आप इस तरीके की वीडियो को देख करके अपनी तैयारी घर पर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।